ये दोस्तों यामा RZR125 वहाँ जब इसका फुल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, इसके पूरे स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, इंजन, प्राइस सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और पहले इसकी फ्रंट लुक आप देख लीजिए अच्छे से। फ्रंट लुक आप इसकी देख लीजिए, कुछ इस तरह की लुक है इसकी फ्रंट से। यहाँ पर आपको वाई शेप की LED DRLs मिल जाती है इस गाड़ी में, और यहाँ पर आपको इसमें कुछ रुकी कुछ इस तरह से जलती है, आप देख सकते हैं दिन में। यहाँ पर आपको ब्लू कोर की बैजिंग मिल जाती है, साइड में कुछ इस तरीके का वाइज़र मिल जाता है इसमें आपको बड़ा सा, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ई प्रिंट मिलता है जिसमें साइड में यामा की ब्रांडिंग है। नीचे आपको इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED हेडलैम्प नहीं मिलते। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाता है इसमें डिज़ाइन, यहाँ पर यामा की ब्रांडिंग दी गई है आपको इस तरीके का। इसमें आपको फ्रंट में यहाँ पर हेडलाइट के नीचे RZR की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। इसका मडगार्ड आप देख सकते हैं, ये भी प्लास्टिक फाइबर का मिलता है आपको फ्रंट में। इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, 190 mm के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यूनिफाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें आपको मिल जाता है। 12 इंच का व्हील आपको फ्रंट में मिलता है, रियर में 10 इंच का मिलता है। इस तरह की लुक आती है इसकी फ्रंट से, आप देख सकते हैं स्पोर्टी लगती है फ्रंट से देखने पर। यहाँ पर साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, तो साइड प्रोफाइल में कुछ इस तरीके की इसकी लुक आती है, काफ़ी बड़ी लगती है साइड से देखने पर ये। और यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है। इसका फ्लोर बोर्ड आप देख लीजिए, डिसेंट साइज़ का है, मतलब ठीक ठाक बड़ा फ्लोर बोर्ड है इसका, आप अपने दोनों पैर आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको फुट साइड स्टेप मिलता है, यहाँ पर RZR की बेंचिंग मिल जाती है आपको उसके नीचे। यहाँ पर आपको थोड़े से ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 125 सॉलिड गियर की ब्रांडिंग एंडिंग मिल जाती है। नीचे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है जो काफ़ी बड़ा है देखने पर। यहाँ पर बीच में यामा की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी इसके एग्जॉस्ट में। पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे कुछ इस तरह की इसकी लुक आती है, पीछे से बाइक जैसी लगती है पीछे से देखने पर। यहाँ पर आपको नॉर्मल टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, बल्ब वाले आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साइड में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बाइक जैसे आपको इसमें। और यहाँ पर नंबर प्लेट में आपको इसमें लाइट अलग से दी गई है नंबर प्लेट के लिए। अब इसका ग्रैब रेल देख लेते हैं, तो आपको पूरा मैट फिनिश में ग्रैब रेल मिलता है, काफ़ी बड़ा ग्रैब रेल मिलता है इसमें आपको। अब देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपकी कुछ इस तरीके की लुक आती है इस गाड़ी की। यहाँ पर आपको इसमें पीछे 10 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, जिसकी जो विड्थ है टायर की वो काफ़ी ज़्यादा है अपने सेगमेंट की गाड़ियों से, बाकी गाड़ियों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 125 cc का इंजन मिल जाता है, यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए मिलता है इंजन की शॉक एब्जॉर्बर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको किक स्टार्ट मिल जाता है इस साइड में आपको, और इसमें आपको यहाँ पर साइड स्टैंड भी देखने को मिलता है जो कि कुछ यहाँ पर है। और इसकी सीट आप देख सकते हैं डुअल पैटर्न में इसकी सीट दी गई है आपको, यहाँ पर सामने अलग पैटर्न मिलेगा और पीछे यहाँ पर बीच में सीट में यामाहा की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर के तरफ, तो इसमें आपको जिस तरीके का पूरा काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर मिलता है इसमें आपको, यहाँ पर स्कूटर के अंदर पूरा गोल्डन कलर का पेंट किया गया है। यहाँ पर आप अपना कुछ भी टांग सकते हैं, पन्नी अन्नी कुछ इस तरीके की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है चाबी का, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाती है इसमें, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़े से डिज़ाइन मिल जाती है। इसका फ्लोर बोर्ड आप देख लीजिए, इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है इसके फ्लोर बोर्ड में। सीट के नीचे भी आपको एक हुक मिल जाता है जहाँ पर आप अपना कुछ भी सामान टांग सकते हैं। इसका हैंडल बार आप देख लीजिए इस तरीके का। यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इंडिकेटर हॉर्न की बटन मिल जाती है आपको। राइट हैंड साइड पे आपको इसमें इंजन ऑन ऑफ वाला फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप अपने कहीं खड़े रहेंगे अपनी गाड़ी चालू करके तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे तो आपकी गाड़ी अपने आप ऑन हो जाएगी बिना सेल्फ मारे। इसके RPM भी आप देख सकते हैं, बड़े साइज़ के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप ऑन करके देख लेते हैं, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें आपको। इसका एनिमेशन देखिए आप, पूरा बाइक जैसा एनिमेशन आता है इसका। इसे फिर से मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, पूरा बाइक जैसा लगता है देखने पर। यहाँ पर आपको इंजन ऑन ऑफ की ब्रांडिंग पर आपको लाइट मिल जाती है, सॉरी
यहाँ पर आपको इंजन की लाइट मिल जाती है और बाकी की इंडिकेटर की लाइट, इको मोड इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर से आप अपना मोड और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सब सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्पीड आपको डिजिटली पता चलेगी, कितने किलोमीटर गाड़ी चली वो भी सब आपको इसमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको वाइज़र मिल जाता है इसमें ही बड़ा सा। यहाँ पर आपको यामा की बैजिंग भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाता है इसमें आपको हैंडल बार में। यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं एक बार अच्छे से। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 8.5 पीएस की पावर और 9.10 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम न्यू दिल्ली प्राइस है 77,500 रुपीज़ ये वाले वेरिएंट की। आप अपने नज़दीकी यामा शोरूम में जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो ये था यामा RZR 125 का एक फुल वॉक अराउंड रिव्यू। आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी वीडियो डालूं उस चैनल पे आपको रोज़ वीडियोस देखने को मिलेगी। आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।